1951 में हेनरियटा बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल गईं, जो कि उस वक्त उनके इलाके का वाहिद ऐसा हॉस्पिटल था जो अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स का इलाज करता था. दिस इज़ वेयर हेनरियटा वुड फाइंड आउट दैट शी हैड एन इंटेंस फॉर्म ऑफ सर्विकल कैंसर. हेनरियटा के कैंसर का मुआयना करते हुए उनके डॉक्टर ने उनके ट्यूमर का एक हिस्सा काटकर जॉन हॉपकिंस के टिश्यू रिसर्चर जॉर्ज गाय की लैब में भेजा. और इस लैब में जॉर्ज गाय ने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जिसके आने वाली कई दहाइयों में लाखों इंसानी जानें बचाई. हेनरियटा लैक्स के जिस्म के उन सेल्स और टिश्यूज़ में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि मेडिकल साइंस में एक इनकलाब बरपा हो गया और हेनरियटा के उन सेल्स ने साइंसदानों की कैंसर और पोलियो जैसे अमराज से लड़ने में किस तरह मदद की. आई एम गुले राना एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन. जब जॉर्ज गाय ने हेनरियटा के सेल्स को माइक्रोस्कोप के ज़रिए एग्जामिन किया तो उनको ताज्जुब इस बात का हुआ कि वो सेल्स मुसलसल डेवलप कर रहे थे और डुप्लिकेट कर रहे थे. एक मामूली इंसानी सेल अपनी ज़िंदगी में महज एक महदूद मुद्दत तक डुप्लिकेट कर सकता है, लेकिन हेनरियटा के सेल्स हर गुजरते घंटों में तादाद में दुगने हो रहे थे. और जॉर्ज गाय इस नतीजे पर पहुँचा कि हेनरियटा के सेल्स लाफानी यानी इमॉर्टल हैं. और 1951 से लेकर आज तक ये सेल्स जिंदा हैं और तादाद में बढ़ रहे हैं. और यूँ हेनरियटा लैक्स के कैंसर सेल्स पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बायस हैरानी बने और रिसर्च के बहुत से बाब खोले. हेनरियटा के सेल्स को हेला सेल्स का नाम दिया गया, विच इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ हर फुल नेम हेनरियटा लैक्स. इट बिकेम द फर्स्ट एवर लाइन ऑफ ह्यूमन सेल्स. ये सेल्स कहीं भी और किसी भी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं. हेला सेल्स की दरियाफ्त से पहले साइंसदान पिछली दो दहाइयों से इंसानी जिस्म से बाहर सेल डेवलप करना चाह रहे थे, लेकिन ऑल अटेम्प्ट्स हैड गॉन टू वेस्ट. हेला सेल्स की डुप्लीकेट की कुव्वत और कहीं भी पनपने की सलाहियत ने इनको रिसर्च के लिए मिसाली साबित किया. जहां पहले मेडिकल कम्युनिटी वैक्सीन्स और अद्वियात बनाने के लिए टेस्टिंग के लिए जानवरों और पेशेंट्स का इस्तेमाल करते थे, जिस पर एक बहुत बड़ा अखलाकी सवालिया निशान था और अमली तौर पर रिसर्च के इस प्रोसेस में बहुत सी पेचीदगी थी, लेकिन हेला सेल्स ने इस मॉरल एम्बिग्विटी और रिसर्च की इस पेचीदगी को बहुत हद तक दूर कर दिया. अब साइंसदानों को बीमारियों और वायरसेस को समझने के लिए पेशेंट वार्ड्स का रुख करने की ज़रूरत नहीं थी. 1950 की दहाई में हेला सेल्स दुनिया भर की लेबॉरेटरीज में फैल कर अरबों नहीं बल्कि खरबों सेल्स की सूरत में हर मेडिकल रिसर्चर की दस्तरस में थे. और गुजरते वक्त के साथ दुनिया में हेला सेल्स की प्रोडक्शन सेंटर्स का क़याम हुआ और हेला सेल्स की मदद से ही 1952 में जॉन साल्ट ने पोलियो, जो कि उस वक्त एक एपिडेमिक था, इसकी वैक्सीन दरियाफ्त की. हेला सेल्स वर द फर्स्ट एवर ह्यूमन सेल्स टू हैव बीन सेंट आउट इन आउटर स्पेस, ताकि ज़ीरो ग्रेविटी में इंसानी सेल्स के बिहेवियर का मुआयना किया जा सके. हेला सेल्स की मदद से ही HPV वायरस, जो कि सर्विकल कैंसर का बायस बनता है, इसकी वैक्सीन दरियाफ्त की गई. आज हमारे पास कैंसर से लड़ने के लिए क्रिस्टीन और टेमोक्सिफेन जैसी अहम अद्वियात भी हेला सेल्स की मदद से ही बनी. क्लोनिंग और DNA मैपिंग से लेकर चिकन पॉक्स, मीजल्स और एड्स जैसी बीमारियों पर रिसर्च के लिए भी हेला सेल्स को इस्तेमाल किया गया. एंड मोस्ट रिसेंटली जब COVID-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, हेला सेल्स ने इसकी वैक्सीन की दरियाफ्त में एक बहुत अहम किरदार अदा किया और दुनिया को एक ऐसे क्वारंटीन से निकाला जो तकरीबन 2 साल के अरसे तक चला. सिंपली पुट, इस वक्त दुनिया में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं जिसने हेला सेल्स की दरियाफ्त से इस्तेफादा हासिल ना किया हो. लेकिन हेनरियटा लैक्स के वही कैंसर सेल्स जो पूरी इंसानियत के लिए बाइस रहमत थे, हेनरियटा की अपनी मौत का सबब भी बने. और इसमें अफसोस की बात यह है कि चूंकि उस वक्त मेडिकल के शोबे में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में हेनरियटा के सेल्स का जो नमूना लिया गया था वो हेनरियटा की इजाज़त के बगैर लिया गया, यानी हेनरियटा को उनकी ज़िंदगी में इस बात का इल्म ना हुआ कि उनके वसीले से कितनी जानें बच सकती हैं. और हेनरियटा के ख़ानदान को भी उनकी वफात के तकरीबन 5 दहाइयों बाद हेनरियटा की कॉन्ट्रीब्यूशन का सही मायनों में अंदाज़ा हुआ,
जब साइंस राइटर रिबेका स्क्लूट ने हेनरिएटा की बेटी डेबरा लैक्स के साथ काम करना शुरू किया। और डेबरा जो सिर्फ 2 साल की थी जब उनकी माँ की वफ़ात हुई, जब उन्हें हेनरिएटा की इंसानियत को सर्विस का इल्म हुआ, तो शी फाउंड अ सेंस ऑफ पीस विद इन हरसेल्फ। लेकिन इसके साथ साथ डेबरा के दिल में गुस्से और रंज की भी एक लहर थी। जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उनकी माँ की सेल्स की मदद से कितनी कॉरपोरेशन ने लाखों डॉलर्स कमाए, लेकिन हेनरिएटा का अपना ख़ानदान बेसिक हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो डेबरा ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो यकीनी बनाएंगी कि डेबरा की कुर्बानी का सिला उनके ख़ानदान को ज़रूर मिले और डेबरा की लेगेसी को प्रिजर्व किया जाए। और इस मकसद के लिए डेबरा ने NIH के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसी कमीशन का क़याम किया जो इस बात का तायुन करेगी कि हेनरिएटा के सेल्स के इस्तेमाल एथिकली किया जा रहा है या नहीं, और हेला सेल्स की रिसर्च के हवाले से अगर कोई भी पेशरफ्त होगी तो इसमें हेनरिएटा के ख़ानदान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तारीख में इससे पहले ऐसी कोई भी मिसाल मौजूद नहीं कि किसी मेडिकल सब्जेक्ट के ख़ानदान से रिसर्च में इतना अहम किरदार अदा किया हो और साइंसदानों के शाना बशाना काम किया हो। और लैक्स फैमिली की इस जद्दोजहद के बायस हेनरिएटा लैक्स एक अफ्रीकन अमेरिकन हीरो आइकॉन बन गए, और आज उनकी वफात के तकरीबन 72 साल बाद भी दुनिया में हेला सेल्स के बायस लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। और जिस तरह हेला सेल्स इमॉर्टल हैं, लाफानी हैं, उसी तरह हेनरिएटा की लेगेसी भी इमॉर्टल हो गई है।